हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशिमास किचन। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम कुछ बना नहीं रहे हैं, बल्कि आज हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर। सबसे बड़ा सवाल है सेहतमंद रहना और तंदुरुस्त रहना, और चुनौती है अपना वजन कम करना। और आजकल के लाइफस्टाइल में इन चीजों के लिए वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई कहता है मैं जिम नहीं जा पाता, कोई कहता है मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, कोई कहता है खाने पे कंट्रोल नहीं होता, पर वजन कम करना। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कोई ऐसा जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीत के हमारे देश का विश्व में गौरव बढ़ाया, और इन्हें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों से भी अवार्ड मिल चुका है, और ये बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में भागीदार रहती है। So without wasting any time, let me introduce you to the Commonwealth medalist boxer Pinky Jangra. और fun fact ये है कि ये मेरी ननन भी हैं। Thank you so much for inviting me here. और आपके सभी viewers को मेरा नमस्कार। It is my pleasure to have you here. Boxing एक weight specific game है, तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि हम वजन को कैसे घटा सकते हैं? चलो discussion को start करते हैं। एक disclaimer देना चाहती हूँ, मेरे दिए गए हुए जो भी suggestions हैं या tips हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला अगर आप अपनी लाइफ में उसे डेली रूटीन में नहीं लाते हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। आज पिंकी शेयर करेंगी हमारे साथ कुछ ऐसी डेली रूटीन की सिंपल टिप्स जो वेट लॉस में और फिट रहने में आपको हेल्प करेंगी। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि कैलोरीज को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं जिससे हमारा वेट भी कम हो और हम फिट भी रहें। चलो शुरुआत करते हैं मीठे से, यानी कि शुगर। दिन भर में हम कितनी शुगर इनटेक कर लेते हैं हमें पता ही नहीं लगता, और हम लगातार अपने मोटापे को बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि शुगर हमारी कैलोरीज को कैसे बढ़ाता है और इसको हम कैसे अपनी डाइट में कंट्रोल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स और चॉकलेट्स, इनमें भरपूर मात्रा में शुगर पाई जाती है और ये हमारी कैलोरीज को लगातार बढ़ाते चली जाती है। तो सबसे पहले हम अपने खाने से शुगर को जीरो करते हैं और एक महीने तक लगातार अपने फूड में शुगर इंटेक नहीं करते हैं। तो पिंकी जी ये बताइए, अगर हम शुगर नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी की जो शुगर की नीड है वो हम कहाँ से पूरी करें? जितनी हमारी बॉडी को शुगर की आवश्यकता होती है फ्रूट्स से हमें मिलती रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना शुगर के कैसे रहा जाए, तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, वेट कम करना है कि नहीं, और हाँ शुगर मिल तो रही है फ्रूट्स से। और पिंकी जी एक और चीज होती है कीटो डाइट, ये क्या होती है और ये वजन घटाने में कैसे मदद करती है? इसमें होता है कि हम अपनी बॉडी में कैलोरीज को कम इंटेक करते हैं और रिड्यूस ज्यादा करते हैं, और हमारी बॉडी स्टोर फैट से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी कैलोरी डेफिशिएंट हो जाएगी और फैट बर्निंग मशीन का काम करेगी। जी हाँ, इसमें हम अपने खाने में प्रोटीन्स और गुड फैट की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो हम अपनी डाइट में छोले, स्प्राउट्स, पीनट बटर, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बहुत सारे सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। तो हम जब कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं, शुरू के दो दिन हमें अपने आप को जीरो कार्ब्स पे रखना है। जब मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी तो काफी व्यूअर्स के मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि कुछ लोग अपना चिन का फैट कम करना चाहते हैं, या फिर बेली फैट कम करना चाहते हैं, या फिर अपने टायर्स कम करना चाहते हैं। तो पिंकी जी, उन लोगों के लिए आपके पास क्या सजेशन है? जी हाँ, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है सभी का। ऐसा नहीं होता कि जब भी हम अपना बॉडी का फैट रिड्यूस करते हैं तो किसी एक पार्ट का हम बॉडी फैट रिड्यूस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पूरी बॉडी का ही फैट रिड्यूस होता है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, और जिस बॉडी पार्ट पे ज्यादा फैट होता है वो पहले बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे हमारी डबल चिन और जो हमारे टायर बने हैं वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और चीज, जैसे कि कैन जूस हो गए, या फिर रेडी टू ईट फूड जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है, मसाला ओट्स हो गए, मैगी हो गए, क्या आप इसको जंक फूड में इंक्लूड करते हो? बिल्कुल, ये कंपनी वाले कितना ही बोल लें कि इसमें फैट, शुगर, जीरो कैलोरीज होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसे मैं जंक फूड ही कहूंगी। तो बहुत सारे लोगों को बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, वो घर का खाना नहीं खा पाते, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मुझे अक्सर स्पोर्ट्स के लिए ट्रैवल करना पड़ता है और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, सैलेड्स, फ्रूट्स,
हमेशा कैरी करती हूँ, जिससे कि मुझे बाहर का खाना ना खाना पड़े और बाहर का खाना अक्सर अनहेल्दी ही होता है। एक और चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमारे बॉडी में पानी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमेशा जब भी आप ट्रैवल करें, बाहर जाएं, अपने साथ वाटर बॉटल जरूर रखें और पूरे दिन में हमें 3 से 4 लीटर पानी लेना ही चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, चाहे काम से जाएं या घूमने जाएं, हम पानी पीना भूल जाते हैं और जितनी हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है एक दिन की, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। तो एक बात तो समझ में आ गई है कि जितना हो सके घर का ही खाना खाएं, इससे आप अपनी डाइट पे भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिंकी जी के द्वारा बताए टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे। और वो डिस्क्लेमर मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ कि कहने से कुछ नहीं होगा, आपको वो अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा और उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी फिट हो जाओगे और आपका वेट भी कम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच पिंकी फॉर सच नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को इस इन्फॉर्मेशन से काफी फायदा होगा और वो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव जरूर लाएंगे। एंड पिंकी, ऑल द वेरी बेस्ट जो आपकी आने वाली चैंपियनशिप्स हैं उनके लिए। जैसे आप हमारे देश का नाम अभी तक रोशन करती आई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आशिमास किचन, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी कुकिंग की जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगी। Until then, take care, bye-bye, and see you in my next video.